आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ सांगली के इडली किंग के पास, जो कि दिन की 40 से 50,000 इडली एक साथ लगाते हैं और बहुत ही ज्यादा बल्क क्वांटिटी में यहाँ पे बनाई जाती है और सांगली के लोग यहाँ की इडली बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए चलते हैं इनकी इडली की मेकिंग देखते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। तो भैया अपना नाम बता दीजिए। तिम्मप्पा शेट्टी। तो कितना पुराना दुकान है ये? 28 वर्ष पहले। अच्छा, यहाँ पे आ चुकी है और यहाँ पे लगाई जाती है दिन की 40,000 इडली और देख सकते हो अलग अलग शेप की यहाँ पे इडली लगाई जाएगी। ये कौन सी शेप? ये वाट इडली है, ये प्लेट इडली है, रवा उड़ी दाल, चावल उड़ी दाल। तुझे ते एक एक गिरा किला 300-500 असा। तो कोल्हापूर तक जाती है ये? हाँ, कोल्हापूर तक जाता है, आस्ट्रा कोल्हापूर। ये प्लेट इडली होता है, नॉन स्टिक कोटिंग है, जब खापाट प्लास्टिक गालत नहीं है, फूड क्वालिटी बनाते हैं नॉन स्टिक। एक ये 2,000 रुपये कोटिंग लगे था। अच्छा, नहीं उसमें क्या है, ये साफ करने गए अभी, वो इडली बनाया हुआ है अभी, एसटीपी है उस पर। तो देख सकते हैं यहाँ पे सांचों में कितनी सारी यहाँ पे इडली भरी जा रही है, कितने सारे यहाँ पे सांचे रखे गए हैं, आपको लाइन वाली से यहाँ पे दिख जाएंगे। इनकी जो कोटिंग रहती है वो नॉन स्टिक रहती है और ये यहाँ पे स्पेशली करवाई जाती है और एक एक करके यहाँ पे कटोरी को भरा जा रहा है। तो कंटेनर देख तो कितना बड़ा है, पूरा का पूरा खाली हो चुका है और एक एक करके यहाँ पे इडली भरी जा रही है। तो भैया कौन सी इडली होती है? वाटी इडली। वाटी इडली, तो किसी से बनती है ये? उड़द दाल और चावल। उड़द दाल और चावल से बनाई जाती है और एक एक करके ट्रे भरी जा रही है। तो भैया अभी क्या करने जा रहे हो? ऑयल लगा रहा हूँ। ठीक है, तो एकदम पाइप से यहाँ पे ऑयल लगाया जाता है, एकदम सफाई से यहाँ पे सारा काम होता है। तो इडली का यहाँ पे बैटर आ चुका है, तो इडली का देख लो बैटर आ चुका है, अब इसको अच्छे से ट्रे में यहाँ पे लगाया जाएगा एक साथ। देख लो इन्होंने कितनी सारी इडली लगा दी, कितना फास्ट यहाँ पे प्रोसेस रहता है, एकदम बढ़िया तरीके से एकदम फास्ट यहाँ पे इडली का, कितनी सारी इडली एक साथ लगा दी है। तो देख सकते हो एकदम फैक्ट्री लेवल पे यहाँ पे इडली लगाई जा रही है, एकदम बढ़िया से ट्रे पे ऑयल लगा लिया गया है, फटाफट यहाँ पे इडली लगा ली जाती है। तो पूरा का पूरा बैटर यहाँ पे डाल दिया गया है, अब इसको अच्छे से यहाँ पे फैला लिया जाएगा और इडली हमारी यहाँ पे लगा दी जाएगी। तो देख सकते हो फैक्ट्री में मैसिव लेवल पे इडली कैसी लगाई जाती है। इडली बनके यहाँ पे रेडी हो चुकी है, अब इसको मशीन में लगाया जाएगा। तो देख सकते हो एक साथ कितनी सारी ट्रे यहाँ पे रेडी हो चुकी है। तो देख सकते हो यहाँ पे कितना बड़ा स्टीमर है और कितनी सारी इडली एक साथ यहाँ पे लगाई जा रही है, पूरे की पूरी मशीन यहाँ पे भर के इडली लगाई जाएगी। तो एक एक करके देख सकते हो पूरी मशीन में यहाँ पे इडली लगाई जा रही है, कितनी ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे इडली बनाई जा रही है। तो क्या क्या चीज मिलती है यहाँ पे? इडली, उड़ीद वड़ा, बटाट वड़ा, समोसा, ढोकला और जास्ती क्वांटिटी में शिरा उपीट 50 प्लेट के ऊपर 2,000-3,000 प्लेट भी जाता है। कम से कम एक प्लेट 2 प्लेट बनावत नहीं है। अच्छा। 50 प्लेट के ऊपर कितने भी ऑर्डर दे हो? तो मैंने सुना है 40-50,000 इडली जाता है, 6,000 इडली तैयार होता है। अच्छा, 6,000 है वन टाइम अभी होता है। तो महाराष्ट्र के सबसे फेमस इडली किंग की यहाँ पे इडली लग चुकी है, ये मैंने लगवाई सांगली में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में इडली एक साथ बनाई जाती है और लोग बहुत पसंद करते हैं। डेली की 40-50,000 यहाँ पे इडली लगाई जाती है और यहाँ पे देख सकते हो प्लेट में इनकी फेमस इडली लगी है, मेदू वड़ा लगा है, इसको कई लोग ढोकला भी बोलते हैं और एक समोसा लगाया गया है। प्लेट में आपको यहाँ पे नारियल की चटनी मिल जाएगी, सांभर मिल जाएगा। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो एकदम सॉफ्ट है, स्पंजी है और एकदम फ्रेश बनाई जाती है। तो इसको मैं ट्राई करने जा रहा हूँ इनकी नारियल की चटनी के साथ। तो वाकई में जो इनकी इडली है बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही सॉफ्ट है और ऐसी क्वालिटी मैंने कहीं नहीं देखी। मैं कोल्हापुर भी गया था बट जो इडली की जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी टेस्टी है। तो बात कर लिया इसके प्राइस का, 6 रुपये की इडली रहती है, एकदम सॉफ्ट, एकदम गर्म, एकदम फ्रेश आपको मिलेगी। तो अगर आप भी सांगली में रहते हो या विजिट कर रहे हो और बढ़िया से इडली खाना चाहते हो तो इडली किंग के पास आके इसको ट्राई कर सकते हो। तो इडली के बाद मैं ट्राई करूँगा इनका मेदू वड़ा, तो इसको मैं ट्राई करूँगा सांभर के साथ। तो इनका सांभर एकदम चटपटा बना हुआ है, जैसा कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सांभर होना चाहिए, एकदम वैसा ही टेस्ट है। और जो इनका वड़ा है काफ़ी फ्रेश है, काफ़ी क्रिस्पी सा है और अंदर से जो है काफ़ी सॉफ्ट सा है। तो अगर आप यहाँ पे वड़ा खाने के लिए आ रहे हो तो 12 रुपये का आपको वड़ा मिल जाएगा, क्वांटिटी में लेना तो 10 रुपये का मिल जाएगा। तो टाइमिंग क्या रहती है दुकान की? 24 घंटा। 24 घंटा खुला है। अभी 9 बजे बंद करता है, 1 घंटा बंद रहता है, वापस शाम को 10 बजे से, रात को 10 बजे से वापस चालू होता है। सुबह हमको 2 बजे 15,000 इडली बराबर 2 बजे बाहर भेजना पड़ता है रोज, वो कोल्हापुर रास्ता जाता है, कोल्हापुर तक जाता है। हो। और एड्रेस बता दीजिए किसी को यहाँ पे इडली खाने के लिए आना हो। वसंतदा मार्केट सांगली जवळ है, इधर दामनी हाई स्कूल है, दामनी हाई स्कूल को लग के और इधर किधर सांगली पे पूछो इडली सेंटर, इडली किंग बोले इधर ही। तो अगर आपको भी सारी चीजें ट्राई करनी है, बढ़िया क्वालिटी में खानी है तो आप ओम शांति केटर्स में आके इसको ट्राई कर सकते हो। सांगली में आपको ये शॉप मिल जाएगी चांदनी चौक पे। तो इस प्लेट को मैं यहाँ पे अब जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।